अंकल पीटर्स पैनकेक्स एक क्लाउड किचन और रेस्टोरेंट्स की चेन है जहां से हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के पैनकेक्स का एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचाते हैं। शार्क्स, इंडियंस को वैरायटीज तो बहुत पसंद है, इसलिए हम अपने मेन्यू में 15 से ज्यादा पैनकेक वैरायटीज रखे, जैसे कि फिल्ड पैनकेक्स या तो लावा पैनकेक्स। सुनकर मुंह में पानी आ गया ना शार्क्स। इतना ही नहीं, हमारे पैनकेक्स हेल्दी, ग्लूटेन फ्री और वीगन ऑप्शंस में भी अवेलेबल है। हमारे पैनकेक्स 100% एगलेस है, जो बिल्कुल अंडे वालों पैनकेक्स जैसा ही टेस्टी और फ्लफी होता है। ये रेसिपी परफेक्ट करने में हमें बहुत मेहनत करना पड़ा है। शार्क्स, हमने आज तक 15 लाख से ज्यादा पैनकेक सर्व किया है और आज हमारे 40 आउटलेट्स हैं अक्रॉस 50 सिटीज। हमारा विजन है देश का सबसे बड़ा होम ग्रोन पैनकेक ब्रांड बनना, और इसके लिए आज हमारी आशक है 60 लाख और 2% इक्विटी। बस सबसे पहले खिला दो यार। हाँ, खिला दीजिए। हम पहले एक डेमो कराना चाहते हैं जिसमें हम दिखाना चाहते हैं कि पैनकेक्स बनते कैसे। चलिए हम वहीं आके देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इनिशियली तवा का टेम्परेचर सेट किया जाता है, तो ये जो तवे में डाल रहा है वो एक बैटर है जो कि आइदर व्हीट फ्लावर या फिर ओट फ्लावर से बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स चॉइस। तो इनिशियली हम लोग बहुत जगह पे कंसल्ट किए कि कैसे इसको फ्लफी बनाना है लेकिन अंडा नहीं डालना है। हमारे पास जो भी केमिकल्स या दूसरे प्रोडक्ट्स आ रहे थे उससे पैनकेक्स पे एक आफ्टर टेस्ट आ रहा था जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तो इसलिए एक्चुअली अभी हमने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, इट इज जस्ट द फॉर्मुलेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ द बैटर और आप उसको कब फ्लिप करोगे। एग्जैक्ट फ्लिप कब करना है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि पैनकेक फ्लफी होगा या फिर फ्लैट ही रह जाएगा। Yeah. I love pancakes. Oh, I love the mini pancakes. Ooh, yum, 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 yum. अरे ये फल वाला वाव क्यों ला रहा है? ये वाला चाहिए मुझे। नहीं नहीं मेरा है वो। उसमें मेरा नाम लिखा है। हेलो, चोरी मत करो। मैं तुम्हें दे दूँगा। मैं हम शेयर कर लेंगे। हमारा आपस में हम सेम लोग हमारी बेइज्जती करते हैं। Thank you. Looks lovely. Look at how good looking mine. Oh, yours also nice. Show. ये देख fork की ये देख निशा। Oh, nice. Yummy. इसने मेरा पूरा चोरी कर लिया। पूरा का पूरा चोरी कर लिया। बीट है ये उठे ना वो खाना। 30% हमारा फूड एंड पैकेजिंग कॉस्ट है। 1.5 लाख गया। और फिर 10% आपका जाता है रेंटल्स पे, 10% जाता है मैन पावर कॉस्ट पे, 8% मंथली मार्केटिंग में, 2% मिसलेनियस कॉस्ट रहता है और फिर हमको 5% उनको रॉयल्टी देना पड़ता है। तो उनके पास तो और बच गया सर 15% जो है वो जोमेटो स्विगी का कमीशन, जो ऑनलाइन सेल्स का जो कमीशन। हमने पिछले साल 14 करोड़ का रेवेन्यू किया था ब्रांड लेवल पे, दिस ईयर अभी तक 13.5 करोड़ का वो कर करोगे। कितना टोटल? अराउंड 21 से 22 करोड़ का करेंगे। लास्ट मंथ कितना किया आपने? जस्ट टू सी द ग्रोथ। 2.16। आपका नेट रेवेन्यू कितना? लास्ट ईयर का था वो 5 crore था, जिसमें 3.5 करोड़ हमारे आउटलेट सेल से आए थे और 1.5 करोड़ हमारे फ्रेंचाइजी रॉयल्टी आए थे। रॉयल्टी फ्रेंचाइजी फी दोनों मिलाकर। और दिस ईयर अभी तक हमने 4.9 crore का कर चुके हैं हम लोग बिजनेस और अराउंड 8 crore पे क्लोज करें। आई थिंक द राइट वैल्यूएशन फॉर यू इज अबाउट 15 crore, 60 lakhs फॉर 4% एंड आई टेक 3% रॉयल्टी, नॉट ऑन ब्रांड रेवेन्यू, ओनली ऑन द कंपनी रेवेन्यू, रॉयल्टी अंटिल आई मेक 1.5। मैं ना ज्यादा मैं ऑमलेट और पराठों वाला आदमी हूँ, ठीक है? बेस्ट रीजन। तो मैं इसमें ज्यादा आपकी हेल्प इस रीजन की वजह से नहीं कर पाऊंगा। 60 lakh फॉर 2% व्हिच इज जो आपकी आस्क थी, royalty terms are same, 3% of net revenue till 1.5x. मैं अनुपम का ऑफर मैच करना चाहता हूँ। मेरा ऑफर चेंज हो गया। चेंज हो गया? 60 lakh for 2%, 1.5x royalty, 3%. हम चाहते हैं कि आप अगर पॉसिबल है तो तीनों आ सकते हैं। 60 lakh for 2% एंड 1% royalty. नहीं, मेरा एक ही काउंटर है। 60 lakh जो आपने मांगा था, 3% इक्विटी, 1% ईच, 3% रॉयल्टी अंटिल वी मेक 2x एंड वी आर पार्टनर्स फॉर लाइफ एंड वी विल ईट पैनकेक्स टुगेदर फॉरएवर। आई एग्री विद अनुपम। कम ऑन गाइस, मैं डील अनुपम के टर्म्स पे करूंगी। सर 2.4% कर दीजिए। आपको 2.4% देना है, वैल्यूएशन के हिसाब से वो कर देना, बाकी एडवाइजरी में दे दो। आई डोंट हैव अ शार्क्स, ये डील पक्की। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको अमन के बाप अनुपम से डील। अंकल अनुपम बाप। थैंक यू सो मच। हियर यू गो ब्रदर, लेट्स बिल्ड समथिंग ग्रेट। शार्क्स,
फोमो में हम बनाते हैं फ्रेशली ब्रूड आइस टीज जिसमें रियल टी, नो रिफाइंड शुगर, नो प्रिजर्वेटिव्स एंड नो कॉन्सेंट्रेट। इट हिट्स डिफरेंट। शार्क्स हमारी आइस टीज हिंदुस्तान के नामचीन रेस्टोरेंट्स जैसे नैंडोज और खान चाचा में अवेलेबल। क्या बात कर रहे हो, यहाँ तक कि हम कॉर्पोरेट ऑफिसेस, ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस एंड एम्बेसीज को भी फोमो देते हैं। हमारा भी सही है। और शार्क्स हम सिर्फ यहाँ नहीं रुक रहे, हम लॉन्च कर रहे हैं मिल्क मिक्सेस जिसमें मिल्क शेक का टॉप टेस्ट और ओट्स, सत्तू एंड रियल फ्रूट्स की गुडनेस। हमारा विजन सिंपल है शार्क्स, जिस भी कैटेगरी में फ्लेवर्ड शुगर डोमिनेंट प्रोडक्ट है हम उस कैटेगरी के गोट बनना चाहते हैं। इसके लिए हमारा आस्क है 35 लाख फॉर 4%। और शार्क्स फोमो एक ऐसा बेवरेज ब्रांड है जो शमशान घाट में भरी नहीं होगा। Cause it slaps. Nice. पीच हमारा बेस्ट सेलिंग फ्लेवर है। ये वाला? हाँ, मैं बेस्ट सेलिंग बेस्ट शॉप। पीच आइस टी इज़ द क्लासिक माय ब्रो। वेरी रिफ्रेशिंग। वेरी नाइस ब्रो। थैंक यू। शुगर कंटेंट कितना है जरा बताओगे? 8 grams per 100 ml. इसमें टोटल कितनी कैलोरीज है? 96 ग्राम। कितना शुगर? 24 grams of sugar. Whole bottle. Full bottle is 24 grams. एक कोक के कैन में कितना 60 ग्राम्स होगा? थोड़ा सा कम। So about half of what is there in a coke can. Hello, hello. Red flag. 2 months shelf life. Only berries and mango. क्योंकि ये flavors हमने commercialize नहीं करे। Why is there a bitter aftertaste? Tea. क्योंकि real brewed है, असली tea है। अच्छा। But boss महंगा नहीं है? Zomato trends के हिसाब से most selling beverage in India 100 rupee iced tea है। अच्छा। आपको लगता है 99 is not a lot? हमें लगता है कि 99 बहुत premium है। केवल टॉप 10 सिटीज ऑफ इंडिया में स्केल हो सकता है आइस टी फॉर्मेट। एंड यू आर ओके विद दैट? हां। और हमारे पास प्रीमिक्स हमने रिसेंटली लॉन्च करे हैं। जरा दिखा दीजिए वो सैंपल। प्रीमिक्स इज इंटरेस्टिंग। और ये इसका क्या प्राइस है और कितना कितना बनेगा इससे? 35 रुपीस सिंगल सर्व बट अ लार्ज 300 ml बॉटल। मतलब जितना इसमें है उतना? करेक्ट। फिर भी काफी हो गया नहीं? नेस्टी 30 रुपीस में बेचता है। सेम साइज, लेसर साइज 200 ml। अच्छा। फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या सेल्स है, चैनल्स क्या है और उस पर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दोनों बता दीजिए। अप्रैल में हमारी सेल्स 2.7 लाख की थी, मई में हमारी सेल्स 4.4 लाख की थी, जून में हमारी सेल्स 3.7 लाख की थी, जुलाई में हमारी सेल्स 3.05 लाख की थी, अगस्त में हमारी सेल्स 3.1 लाख की थी, सितंबर में हमारी सेल्स 3.7 लाख की थी और अक्टूबर में 3.4। फ्लैट? इतने टाइम से फ्लैट ही चल रहा है। तो हाँ, इसका रीजन ये है कि मई के बाद हमारा एक मेजर क्लाइंट था हरेका का, वो अपने पेमेंट टर्म्स पे डिफॉल्ट करने लग गए थे और हमारा काफ़ी सेल्स उधर से आ रहा था। डिमांड बहुत अच्छी आ रही थी कंज्यूमर से, कैश क्रंच हो गया, सर्वाइवेबिलिटी डिसीजन लेने के लिए उसको हमें डाउनसाइज करना पड़ा, वी हैड टू लेट देम गो। पैसे कितने लगाए आपके बिजनेस में सारे? टोटल 30 लाख रुपीस लगाए हुए हैं, 32 लाख। कितना कितना लगाया खुद के पैसे आप? 88 लाख हम दोनों ने इनिशियली। इतने जमा कर लिए थे आप? उसमें से सारे हमारे नहीं थे, 4-5 लाख हमारे थे, बाकी हमने फैमिली से लिया था। फैमिली से? हाँ जी। ठीक है। एक बार जब कंज्यूमर पुल आया तो हमने कहा फैमिली फ्रेंड से रेज करते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल तो एग्जॉस्ट ही हो गया था, मतलब 16 लाख तो एस्टैब्लिश करने में ही चले गए थे। करेक्ट। तो फिर हमने एक फैमिली फ्रेंड से 16 लाख और लिए और फिर हमने स्टार्ट किया। तो एक्विटी कितनी थी उसके लिए? कन्वर्टेबल नोट पे वो अभी वो करा है, कन्वर्जन किक इन नहीं करा है, उसका 40% डिस्काउंट ऑफ नेक्स्ट राउंड, कैप उसका 6 crore है, पर वो अभी रेलेवेंट नहीं है क्योंकि हमारी वैल्यूएशन आज 8.75 करोड़। वो तो आपको मिलेगा तब ना? हाँ, वही एग्जैक्टली। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको रीवैल्यूएट करना चाहिए एंड यू शुड फोकस एंटायरली एंड एक्सक्लूसिवली ऑन क्विक कॉमर्स। आपको ये प्रीमिक्सेस में तो हाथ छोड़िए, आपको इस तरफ देखना भी नहीं चाहिए अंटिल यू रीच अ सर्टेन स्केल। तब वो स्केल आ जाए तब आप उसमें जाइए। हम इससे एकदम अग्री करते हैं। I will give you the 35 lakhs you asked for, 5 crore ke valuation pe. Ritesh and I are going to match Anupam's offer. Aapko jo hotel industry ke connects chahiye, he's your man. Bad strategy. I'll give you 35 lakh jo tumhara ask hai for exactly same 7%. Main aur Anupam aapko offer dete hain. 35 lakhs for 6%. Isse yaar zyada nahi. मैं भी मैच कर रहा हूँ 35 लाख 6%। हम भी मैच कर। अमन, अनुपम, डील पक्का। Awesome. Good decision. So glad to see. YOLO. YOLO. नया वर्ड चला आज। मेरे को तुम लोग कुछ नया वर्ड सिखाओ। मैं हमेशा सीखता हूँ अपने ऑफिस में लोग इंटर्न से। Hood बताया था इसने। Hood. Hood मतलब गैंग हो गया आपका। Hood. Oh, now we are on Hood, bro. FOMO in the Hood. FOMO in the Hood, bro. No more FOMO now.
ईटवर्स एक कोलकाता का मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन है, जहां हमारे यूनिवर्स में 8 सुपर हीरो ब्रांड्स हैं, जो आपके हर एक हंगर का क्रेविंग्स मिटाते हैं। जैसे सांता डिलीवर्स एक मल्टी क्विजीन ब्रांड है, जिसमें हम नान टर्नओवर और देसी चाइनीज जैसे प्रोडक्ट सर्व करते हैं। मतलब आपकी पार्टी ऑर्डर नीड्स आर सॉर्टेड। द बिरयानी इंक में आपको मिलेगी कोलकाता की रियल आलू बिरयानी, और बंगाल में आलू के बगैर तो बिरयानी अधूरी है। हैंड क्राफ्टेड गोरमे बर्गर्स मिलेंगे आपको बर्गर इन लॉ में। एशियन फ्लेयर में आपको मिलेगा बेस्ट ऑफ पैन ओरिएंटल एंड साउथ एशियन क्विजीन, क्योंकि देसी के साथ विदेशी भी तो खाना जरूरी है। हमने अपनी जर्नी की शुरुआत मिडनाइट फूड डिलीवरी के साथ की थी, लेकिन आज दिन हो या रात हम कस्टमर्स तक पहुँचते हैं राउंड द क्लॉक। हम जब 21 साल के थे और उस समय जोमैटो और स्विगी अवेलेबल नहीं थे, हमने तब एक लोकल शॉप से टाई अप करके सिर्फ 10,000 रुपए में अपना बिजनेस चालू किया। हम 100 रुपए के दाल को 150 में खुद डिलीवर करते, और आज हमारे पास 6 किचन है, एक बेस किचन है, एंड हमने अब तक 20 लाख से ज्यादा ऑर्डर्स केटर कर चुके हैं। हमारे प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो थ्रू स्विगी एंड जोमैटो। शख्स, हम चाहते हैं कि हम ईटवर्स के यूनिवर्स को पूरे इंडिया पे लेके जा सके, और इंडिया का नंबर 1 फूड ब्रांड इसे बना चुके। हमारा आस्क है आपसे 1 करोड़ फॉर 1% इक्विटी। वी आर ईटवर्स, द गैलेक्सी ऑफ फूड गैजम्स। अमन, आपके लिए बटर चिकन नान टर्नओवर सांता डिलीवर से। अनुपम, आपके लिए चिकन बिरयानी द बिरयानी इंक से है। अमित, आपके लिए दाल मखनी नान टर्नओवर सांता डिलीवर से। नमिता, आपके लिए चीज बम बर्गर बर्गर इन लॉ से है। रितेश, आपके लिए वेज बिरयानी है। बहुत बढ़िया दाल मखनी, ये बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, दिस बिरयानी इज गुड। बहुत अच्छा है दोस्त, वेल डन। आपकी सेल्स थोड़ा बता दीजिए कितना हो रहा है। तो अभी इस साल हम लोग अक्टूबर तक 10.7 सीआर कर चुके हैं। हम लास्ट ईयर किए थे 13.1 सीआर। इस साल क्या प्रोजेक्शन है आपके पूरे साल का? 20-21 सीआर प्रॉफिट। EBITDA हम लोग 6% सोच रहे हैं कि लास्ट ईयर 6% हो गया। लास्ट ईयर 1% था। 1% मतलब ब्रेक इवन था। लास्ट मंथ क्या रेवेन्यू किया आपने? लास्ट मंथ 1.72 सीआर किए, एंड उसमें प्रॉफिट कितना था? 6% हम लोग का EBITDA था। अगर आप Zomato स्विगी पे भी बेच रहे होगे, करेक्ट, तो उनका आप लोग क्या साइजेबल शेयर हो? या 1.5-1.7% मार्केट शेयर हम लोग अभी उनका मार्केट प्लेस में है। हम लोग सिटी अकाउंट्स में 5th-6th रैंक करते हैं। अच्छा, और सेकंड, अगर मैं चाहूँ आज की डेट में, तो मैं क्लाउड किचन तो आज रातों रात खोल सकता हूँ और उसमें आपकी तरह 10 ब्रांड बना सकता हूँ। देयर इज नथिंग, अगर आपने 9 साल लगाया या 1 साल लगाया, कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, राइट? एक साथ अगर आप सारा ब्रांड्स करते हो तो बर्न बहुत करना पड़ता है। जैसे हमारा जर्नी में हम एक एक साल में नया नया ब्रांड किए, वो उसको प्रॉफिटेबल बनाए, फिर हम किए। आपको एक इसमें नए लोग आए ना, जो क्लाउड किचन फंडेड लोग आए, जैसे ईट फिट हो गया और रेबेल फूड्स हो गए, ये बर्न कर रहे हैं, बट ग्रो भी तो अच्छा खासा कर रहे हैं ये लोग। करेक्ट, बट हमें ग्रो करना सस्टेनेबल होके, हम बूटस्ट्रैप है। रेबेल का मार्केट शेयर क्या क्या है? रेबेल अराउंड 75-80,000 ऑर्डर्स करते हैं कैलकाटा में, और हम 50,000 ऑर्डर्स 48-49% हमें भी पता है कि कैसे किया जा सकता है। हाँ, तो हम लोग उस प्रोसेस को और अच्छे से फाइन ट्यून करना चाहते हैं, और क्या दूसरा सिटी में आज से 1-2 साल बाद जब हम लोग जाए तो रेप्लिकेशन में हमें प्रॉब्लम ना हो। आप थोड़े से लॉस्ट हो यार, आपका जो धंधा जो कोलकाता में चल रहा है जी, मुझे लगता है आप कहीं इसको 30-40 करोड़ तक स्केल कर सकते हो, पर उसके बियॉन्ड नए ज्योग्राफी में जाना बहुत बहुत बड़ा रिस्क है, और अभी तक वो बात नहीं दिख रही है। 9 साल में आप नहीं गए, तो अभी जाना 1 करोड़ के साथ, इट्स सुसाइड, एंड दैट्स द रीजन आई एम आउट। इतनी क्लैरिटी नहीं आ रही आपके विजन में कि आप कैसे स्केल करेंगे और इन्वेस्टर को एग्जिट देंगे। सो ऑल द बेस्ट, बट मैं आपके साथ जुड़ नहीं पाऊंगी, सो आई एम आउट। यहाँ पर इशू नहीं है कि तुम लोग बिजनेस कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आई एम प्रीटी श्योर ये प्रॉफिटेबल बिजनेस बनता है, बट मैं कितना नेगोशिएट करूंगा, कहाँ तक लेके जाऊंगा, जब मैं मैथ भी करता हूँ तो बहुत ही पीछे हूँ। इस वैल्यूएशन पे आप जिस पे रेस करने जा रहे हो, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लिए अलाइंड हूँ। मैं आज बाहर थोड़ा फंड रेज की तरफ, 10 साल में आपको आ जाना चाहिए था पहले। सेकंड वही 100 करोड़ वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। सो एक मैं आपको बस सजेशन दूंगा कि आपको अगर करना है तो थोड़ा ब्रांडिंग पे काम करो, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं कि धंधा अच्छा नहीं। धंधा आपने अच्छा बनाया, प्रॉफिटेबल चला रहे हो,
इसको स्केल करो, जरूरी नहीं कि हर चीज में इन्वेस्टमेंट हो। ऑल द बेस्ट, खूब बात। थैंक्स।